जिस तरीके से पूरे देश में और दुनिया में मन रही है, इससे लोग ये समझने के लिए मजबूर हो गए हैं और पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में लोग ये सोचने लगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिमाएँ लगी हैं। सबसे ज़्यादा खुद लोग, जनता स्वयं अपने पैसे से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की इतने बड़े पैमाने पर जयंती मनाती है, तो आखिर ऐसा क्यों है? तो ये एक सवाल लोगों के मन में पैदा होने लगा है कि ऐसा क्यों है कि लोग मनाते हैं ना, अदरवाइज जितने भी लोग महापुरुष हैं उनकी जन्म जयंती हमेशा सरकारें मनाती हैं, तो ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती इतने बड़े पैमाने पर जनता पैसे इकट्ठे करके क्यों मनाती है? तो इसका कारण अब लोग जब समझने लगे, जानने की कोशिश की, तो समझ में आया कि ये जो जब आज़ादी का आंदोलन चला, उस आज़ादी के आंदोलन में कहीं भी दलितों की आज़ादी की चर्चा नहीं है, उस आज़ादी के आंदोलन में कहीं भी महिलाओं की आज़ादी की चर्चा नहीं है, और वो केवल अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आज़ादी का जो आंदोलन है वो 10% लोगों के लिए था मुख्य रूप से। लेकिन जब हम देखते हैं कि इस देश की आधी जनसंख्या महिलाएं और इस देश का SC ST अति पिछड़ा वर्ग, इस सबको और महिलाओं को जोड़ लें तो 90% बैठता है, जो ये सारा वर्ग ऐसा है 90% जो लगभग 4000 साल से गुलाम था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 4000 साल की गुलामी को तोड़ के इस देश की महिलाओं को, दलितों को, अति पिछड़ों को आज़ाद कराया। इसीलिए लोग अपने मन से खुशी से पूरे देश और दुनिया के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं, और मुझे खुशी है कि लोग धीरे धीरे बाबा साहेब के संदेश को समझ रहे हैं, लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, क्योंकि हमारे समाज के पास खेती की ज़मीन नहीं है, हमारे समाज के लोगों का उद्योग धंधों में कोई हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है, और जो देश में प्राकृतिक संसाधन है उसमें भी हमारे समाज के लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई समाज की तरक्की का कोई रास्ता बचता है तो वो केवल और केवल शिक्षा के रास्ते से खुलता है। शिक्षा के रास्ते से आगे बढ़ के हम लोग, हमारे समाज के लोग तरक्की में अपनी भागीदारी कर सकते हैं, इसीलिए शायद बाबा साहब को लोग। सर, जो रोजगार के बारे में सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है रोजगार बारे में कि 70,000 रोजगार हर साल देते हैं, सर वो किस रूप में है? सर नहीं, अभी उन्होंने, हमने एक इंस्टीट्यूट स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला है सिंगापुर सरकार के साथ मिलके विवेक विहार में, हम वो 70 इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट से 1000 बच्चे निकलते हैं, तो 1000 के 1000 बच्चों को जॉब मिल जाता है। तो हम सोच रहे हैं 70 इंस्टीट्यूट हम पे काम कर रहे हैं जो जल्दी शुरू होंगे, तो 70,000 बच्चों को रोजगार मिल पाएगा। सर, केजरीवाल जी ने अंदर बोला था आम आदमी पार्टी भी बाबा साहब के जिस तरह बाबा साहब ने संघर्ष किया, आम आदमी पार्टी उसी तरह संघर्ष कर रही है, किस तरीके से कर रही है? वो इसलिए उन्होंने कहा कि जनता सरकारों को चुनती है, दिल्ली की सरकार को जनता ने चुना है, लेकिन जनता की चुनी हुई सरकार के काम में जिस तरह एक केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत LG हर काम में जिस तरह बाधा डालता है, तो सरकार, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को हर काम को पास कराने में संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की स्थिति तो बिल्कुल अछूत जैसी है, हमें भी हर काम के लिए लड़ना पड़ रहा है, और डॉक्टर बाबा साहब भी अपने पूरे जीवन ऐसे ही लड़ते रहे, इसलिए उन्होंने ये बात की। टीम मैंने खुद बनाई है और वो टीम उस पर बकायदा लिख रही है, पूरा तैयार कर रहे हैं, तो उसको तैयार होने के बाद उसको जल्दी ही पार्टी के हम लोग लाएंगे।